नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आम आदमी पार्टी ने नए सिरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा है। वैसे बात तो होनी थी 2 करोड़ कपिल मिश्रा के आरोपों पर, लेकिन विधानसभा में आज ईवीएम का लाइव डेमो हैकिंग का करके आम आदमी पार्टी ने कह दिया, सिर्फ 3 घंटे पहले गुजरात के चुनावों के ईवीएम दे दो, एक एक सीट पर हम ही जीतेंगे। ये ईवीएम का लाइव टेस्ट है। ये ईवीएम नकली सही, लेकिन ईवीएम की गवाही के लिए दिल्ली विधानसभा में पहुंचा, जहां आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ये साबित कर रहे हैं कि ईवीएम के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ हो सकती है, बल्कि कोड के जरिए किसी भी पार्टी के वोट किसी दूसरी पार्टी को दिलवाए जा सकते हैं। आज इस सदन के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र की नींव ऐसी मशीनों के ऊपर टिकी हुई है जिसको मेरे जैसा एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। ये हम अभी इस सदन के सामने साबित करेंगे। विधायक सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम जैसी मशीन से विधानसभा में लाइव टेम्परिंग का लाइव डेमो दिखाया। सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम के जरिए वोटिंग करनी शुरू कर दी। सौरभ भारद्वाज ने इस लाइव डेमो में आम आदमी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को रखा। भारद्वाज ने इन 5 पार्टियों को डेमो के दौरान वोट दिए। डेमो के दौरान आम आदमी पार्टी को सौरभ ने 10 वोट दिए। बीएसपी के सामने उन्होंने 2 बार बटन दबाया। बीजेपी के सामने बटन उन्होंने 3 बार दबाया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी उन्होंने 2-2 वोट दिए। इस तरह ईवीएम नुमा मशीन में कुल 19 वोट डाले गए। सौरभ भारद्वाज ने इसके बाद वोटों की गिनती की बात की, लेकिन उससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कोड के जरिए ईवीएम में छेड़छाड़ की कहानी समझाई। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके सीक्रेट कोड हैं। जिस पार्टी के पास है वो उस सीक्रेट कोड को इस मशीन के अंदर दाखिल करके अपनी पार्टी को जिता सकता है। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है, और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 123414। इस लाइव डेमो में वोटिंग के बाद जब वोटों की गिनती हुई तो ईवीएम नुमा मशीन में पार्टियों को डाले गए वोटों में बड़ा हेर फेर दिखने लगा। आम आदमी पार्टी को 10 वोट पड़े थे, लेकिन नतीजे में आम आदमी पार्टी के खाते में 2 वोट दिख रहे थे। बीएसपी को 2 वोट मिले, नतीजे में 2 वोट ही दिख रहे थे। इसी तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी 2-2 वोट मिले थे, इसकी गिनती भी सही निकली। बीजेपी को तो महज 3 वोट पड़े थे, लेकिन गिनती के दौरान बीजेपी के वोटों की संख्या 11 दिखने लगी। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक आम आदमी पार्टी को मिले 8 वोट टेम्परिंग के जरिए बीजेपी के खाते में चले गए।